ये किस गरीब खाने में शादी करा रहे हो जीजा? अगर मेरी पड़ोसन की बेटी को हाँ कर दिया होता ना, तो ये शादी ताजमहल होटल में और दावत ओबरॉय होटल में होती। करोड़पति है, कबाड़ का बहुत बड़ा धंधा है उनका। आइए आइए, स्वागत है। कैसे हो जमाई राजा? तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अंकल, आइए आइए अंदर आइए। अरे आप लुट गए, आप बर्बाद हो गए जीजा, आपकी नाक कट गई, दुल्हन भाग गई। अरे क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो, जाकर ढूंढो उसे। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा, ये तो हमारे परिवार की खानदानी परंपरा है। आप बिल्कुल मत घबराइए, सुमन वापस आ जाएगी। अरे समदी जी, आप भी क्या इस बावले की बातों में आ गए। चलिए, इसे परंपरा कहते हैं जिससे बारातियों का मुंह काला हो जाए। इससे अच्छी तो मेरी पड़ोसन की बेटी थी। तो अपने बेटे की शादी करवा लेना ना उससे। ठीक है, मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। आखिर ये कैसे बराती है? सबके सामने शराब पी रहे हैं, उन्हें जरा भी तमीज नहीं है। अभी ये हालत है तो बाद में क्या होगा? ऐप तो सब में होते हैं, लेकिन दौलत सबके पास नहीं होती। महंगी शराब का इंतजाम करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरी। मेरे साले का बेटा लाइन में ही है। शुक्रिया, एक मिनट मैं फोन देता हूँ, ये लो। हाँ बोलिए भाभी जी, कैसे हैं आप? हेलो, तेरे घर के इस जश्न को आज मैं मातम में बदल दूंगा। क्या, कौन है? अपनी बेटी की मंगनी पर बहुत खुशी हो रही है ना तुझे? एक घंटा रुक, तेरे जनाजे पर सब रोएंगे। कौन है बे तू? तेरी मौत। क्या? अरे सुनील। हाँ जी जी। मैं कमिश्नर से मिलने जा रहा हूँ, सबका ख्याल रखो। जी अच्छा। चलिए कमिश्नर साहब, मैं आप ही से मिलने आ रहा हूँ। कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, बस उन्हें पकड़ो। क्या कहा? कौन था वो? ये सब हमसे क्यों पूछ रहा है? तू जाके खुद पता लगा, पुलिस वाला तू है या मैं हूं। वो तो अच्छा हुआ कि उनका निशाना चूक गया, वरना मैं तेरी वर्दी उतरवा देता। सर देखिए, आप खफा मत होइए, मैं सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। तेरे पुलिस वाले किसी काम के नहीं है, वो मच्छर तक नहीं मार सकते। इन भाड़े के टट्टुओं को ले जाए यहाँ से। सर प्लीज। जीजा जी, इन पुलिस वालों को छोड़िए, मैं मंत्री जी से बात करके जेड सिक्योरिटी की मांग करूंगा, फिर उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे मारकर कौन जश्न मनाना चाहता है, पता लगाओ। हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, किसी ऐसे को भेजिए जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। कोई तो होगा।
अबे ओए डायरेक्टर, अबे डरा मत, चुपचाप डायलॉग बोल। मेरा हर टेक फाइनल है। जिस तरह मोनालिसा की पेंटिंग भंसाली ने बनाई थी, उसी तरह न्यूटन ने आईफिल टावर बनाया। अगर सीमेंट से बनाते तो खर्चा बच जाता और मच्छर भी नहीं आते, ना ही कौवे पॉटी करते। अरे ताजमहल बना तो बना, पर क्या वो मुमताज महल नहीं बन सकता था? ये औरंगजेब ने करवाया। कमबख्त को दीवार में चुनवा दो। औरंगजेब को दीवार में चुनवाए ना चुनवाए, मुझे जरूर चुनवा देंगे। चुप कर गंजे, अब अगर तूने टोका तो इस गधे से मार कर तेरा सिर सुजा दूंगा। तुम्हें बात कर रहा था दूसरे विश्व युद्ध की। गंगूबाई क्या लड़ी थी? उस वक्त अगर मैं होता तो मैं गंगूबाई के साथ मिलकर अपने धोबी पछाड़ गधे से मुगलों को नेस्तो नाबूद कर देता। बिल क्लिंटन पंजाब में पैदा हुआ था क्या उसने बताया? बिना बताए चुपचाप रफू चक्कर हो गया, जाकर ब्राजील का राष्ट्रपति बन गया। उसे मैंने समझाया था, सुन कुंभकर्ण, तू क्या चाहता है? तेरा पेट भरने के लिए मैं गरीबों का पेट काटूं? ये नामुमकिन है, इसके लिए मैं खून की नदियां बहा दूंगा। भाले चलेंगे, तलवारें चलेंगी, लेकिन मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। होल थिंग इज दैट भैया, सारी मुसीबत की जड़ एक है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से देश में गरीबी छा जाती है, भुखमरी आ जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। सुना आप लोगों ने? आज से एक बात याद रखो, अगर अपने परिवार का भला चाहते हो तो जनसंख्या कम करो। क्या बात है! अरे सत्या, पद्मा ने संजू की वाट लगा दी, कुछ गुंडे उसे धो रहे हैं। फिक्र मत कर, अब हीरोगिरी दिखाने का वक्त आ गया। बोल, अब दोबारा प्यार करेगा? करूंगा, मरते दम तक करूंगा। जानू मेरी लैला, तू क्या जाने, तू मेरा प्यार है पहला। भाई कह रहे थे भाभी को लाइन मारते, मरेगा मरेगा। भैया हाथ मत उठाओ, वो भी मेरी तरह आशिक है। भाभी को लाइन मारता है, मत करना। अरे हाथ तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। अरे चुम्मा लेगा क्या? अबे हकले, दोस्त पर हाथ उठा के तूने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है, छोड़ दे उसे। छोड़ दूंगा, ये पद्मा को छोड़ेगा? हाँ हाँ, पद्मा संजू के साथ जाएगी, अब बोल। मुझे मालूम था तुम लोगों का जवाब यही होगा। ए पार निकलो रे। ये तो फौज के साथ आया, तो कल्टी मारे। आपने एक बार कदम बढ़ा दिए तो मौत से भी नहीं डरते, फिर ये मच्छर क्या चीज है? इन पांच लोगों के बल पे तू चल रहा है, उनके लिए मेरा झबरू काफी है। ए झबरू, हां बोल कल्लू। इस कमबख्त ने मुझसे मेरी पद्मा को छीना है, अब तुझे जाके इनका खून पीना है। तूने खून पिया तो 500 रुपए, उन्होंने खून चूसा तो 1000 वो देंगे। लगे लौटरी बा, मारना देख क्या रहा है? अरे 1000 रुपए मिलेंगे, मेरा नुकसान क्यों कर रहा है? मारना बेटा मार, अरे मारने, अरे तू तुम लोगों ने मुझे स्कूल का टीचर समझ रखा है क्या? मारना मारना, अब पढ़ाता हूं।
अरे चिरकुट, भाड़े का कोट और सस्ता गिटार लेकर अपने आप को हीरो समझ रहा था। चल 1000 रुपए खाली कर, इसको दे। ए कलू ले, अबे बोला ना ले। शर्त घोड़ों पर लगाई जाती है, शेरों पर नहीं। समझ में आ गया, इस गधे से मेरी हड्डियां टूट सकती है। हड्डियां तो तेरी टूटेंगी, उसके बाद तो सीधा कब्र में। तो मैं क्या करता भाई, दिल लेके बांटा ही नहीं। पद्मा भी मुझे चाहती है। अच्छा पद्मा, जरा सामने आना, ये क्या माजरा है? तू बैठना, हीरो और हीरोइन के बीच में विलन को आने की जरूरत नहीं है, पर आज दोस्त का मामला है। ए पद्मा, अब तू ही बता यार, ये या वो? छी, ये कल्लू नहीं, वो पीलू पसंद है। अरे क्या बात है, तेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया कल्लू। ले पकड़, लड़की तो गई। ये बात पहले ही बोल देती पद्मा, ये गुंडे, ये कोट, ये जीप, माँ के गहने गिरवी रख कर लाया था। इस बेतहाश जमाने में ये धरती मेरी माँ है और वो बादल मेरा बाप है। वाह 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 वाह, तेरा डायलॉग सुन के तो मैं इमोशनल हो गया यार। अरे ये गई तो क्या, कोई और आ जाएगी? पद्मा तो नहीं आएगी ना। अले अले मेरे पीलू। देखो इस मैगजीन में क्या लिखा है, हर रोज शराब पीने से फेफड़े सड़ जाते हैं, अभी भी वक्त है यार, छोड़ दो। अरे तू क्या कहता है, मैंने तो कब का छोड़ दिया है, इस बकवास मैगजीन को ही पढ़ना छोड़ दिया। और साथ में मटर कश्ती करना भी छोड़ दो। अंकल जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे अब और कितना अंदर आओगी। सत्या देखो, ये हमारी नई पड़ोसन है। हेलो जी। बहुत प्यारी है, छोटी सी उम्र में कई झंडे गाड़े है ना। और नहीं तो क्या, झंडे नहीं गाड़ेंगे तो लहराएंगे कैसे? करियर बनाना हो तो ये सब करना पड़ता है। आप लोग ना मुँह मीठा करिए, मेरे भैया ने नया कुत्ता खरीदा है अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ रहता है तुम्हारा भाई? शिकागो। चलो हमारी ना से ये कुत्ते की नसीब तो खुल गई। और क्या, इन छछुंदरों के साथ टाइम पास बनकर तू भी अमेरिका पहुँच जाएगा। हाँ मेरी माँ भी यही कहती थी, इन आवारा लड़कों को छोड़ दे, कलेक्टर बन जाएगा, वॉचमैन का होगा। वैसे भी अमेरिका में क्या खास बात है माँ? इसके भाई से कुछ सीख, अमेरिका भी गया और कुत्ता भी खरीद लिया। अमेरिका में कुत्ता खरीद के उसे बिस्किट खिलाने से अच्छा है कि यहाँ मैं अपने दोस्त को खाना खिलाऊँ। अरे मैं तुझे कुत्ता नहीं बोला, तू चुपचाप प्लेट चाटते रहे। हाँ सार्वजनिक नाले में डुबकी लगाते रहो, एम आई राइट ना लीलावती? ओह लीलावती नहीं अंकल, गोलू, प्यार से गोलू बोलिए, मैं गोलगप्पे जैसी हूँ ना। नाम को मारो गोली, ये बताओ कितने परसेंट आए? बस 99 out of 100 आए अंकल, दुख के मारे तो रोटी भी नहीं खा पा रही, 1% एग्जामिनर खा गया। वाह 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 वाह, ये होता है किताबी कीड़ा। तुम कितना पाए हो? 35%, बहुत है। तो इंटेलिजेंट कौन हुआ? मैं है? इसने 100 के लिए मेहनत की और 99 मिले, मैं तो फेल होने वाला था लेकिन 35 मिला, जितना इसने सोचा उससे कम मिला। मैंने तो सोचा भी नहीं था फिर भी मिल गए, पर आप लोगों की नजर में इंटेलिजेंट ये गोल गपाई है। अरे छोड़ो यार, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं। आइंस्टाइन जिंदा होते तो आज फिर मर जाते। हाय रे, कितनी प्यारी बारिश हो रही है, अंदर मेरा दिल जल रहा है, काश कोई मलहम लगाने वाले मिल जाए। मलहम क्यों लगवाना है, मलाई लगवा लेना। क्या हो रहा है नमुनो? कुछ नहीं, बस हसीनाओं के ख्वाब देख रहे थे, तू बता। ऐसी झमाझम बारिश में तो मुझे सिर्फ एक ही ख्वाब आता है, एक आलीशान चमचमाती कार मेरे सामने आकर रुकती है। हाँ यार कार तो आ गई। और फिर गाड़ी के रुकते ही एक खूबसूरत परी नजाकत से अपना हाथ बाहर निकालती है। भाई आंखें खोल, तेरी खूबसूरत परी सच में आ चुकी है। मेहरबान है सत्या, और कुछ मांग ले। यार काश ये बारिश रुक जाए तो मैं इसे अभी अपने सीने से लगा लेता। ए दिन में ख्याली पुलाव मत पका। लगता है ऊपर वाला भी यही चाहता है। मंडली अपने कान नजदीक लाओ, तुम लोगों की भाभी मिल गई। छोड़ो मुझे।
देखिए शोर मत कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है, मैं बस अपनी जान बचा रहा हूँ। कहाँ गए वो? देख जाए बस एक बार। ऐसे ही रहना, वो लोग पीछे ही खड़े हैं। आज मिलते ही उसकी टांगे तोड़ दूंगा। आपने महसूस किया मेरी सांसें तेज चल रही हैं? कहीं वो देखो लड़की के साथ लप्पी छप्पी मार रहे हैं। रुक चला तू, भांडा फोड़ रहा है। नहीं मुन्ना मत, उन्हें पता चल जाएगा। जैसा आप, चल निकल उधर, देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप ना होती तो वो लोग मेरी जान ले लेते। इस एहसान को मैं कैसे उतारूं? इंसान ही तो इंसान के काम आता है, इसमें एहसान की क्या बात है। बाय बाय, सी यू सून। अरे क्या बात है, अरे क्या छोटा यार, ये क्या नाटक है? ये तो तुम्हारी जान के दुश्मन थे ना? हाँ थे, पर अब दोस्त बन गए। कैसे? हाँ लेट मी एक्सप्लेन, लड़ाई झगड़ा करने से आखिर किसका भला हुआ? बड़े बड़े सुरमा लड़ाई की वजह से धूल चाट ली, इसी लड़ाई ने बड़े बड़े बादशाहों की हस्ती तक मिटा दी। यही डायलॉग जब मैंने इनको चिपकाया तो इनकी आंखें खुल गई और ये मेरे पक्के दोस्त बन गए। आप भी मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं, है कि नहीं? नाटक कंपनी के डायलॉग चिपका कर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? देख लूंगी। हाँ तो देखिए ना, हेलो कहाँ चल दी? चंपक फरमा, दादी किसको बोला तू? मैं हूँ गुड़ की कली, तो आगे से ध्यान रखना। क्या हो रहा है ये? दिन भर बस टाइम पास। अरे तुम दोनों कमसिन लड़कियां हो, अपनी जिंदगी जाया कर रही हो। संजना, हम दोनों क्या दूध पीती बच्चियां हैं? जब देखो ताने मारती रहती है ये, हद है। पक्का मिस यू। इसको क्या हो गया, फोन को किस कर रहा है? अरे इसकी पद्मा दादा के घर गई है ना, तो फोन पे काम चला रहा है। और वो कल वाली का क्या हुआ? वही जो परसों वाली का हुआ था। काश वो हसीना मेरी जिंदगी में आ जाए तो मेरी तनहा जिंदगी जन्नत बन जाए। कब खुलेगी मेरी किस्मत? बेटा एक बार तेरी किस्मत चमक गई, रोज रोज नहीं चमकने वाली। आय हाय, इस गाने ने तो और बेचैन कर दिया। बंटी देख क्या रहा है, चल चलते हैं। ए, अरे चल, वो निकल जाएगी। मैडम यहां तो नो पार्किंग है। ए छोटा पैकेट बैठ ला। ओफो, अभी तक फोन क्यों नहीं आया? फोन आ जाना चाहिए था। अबे जल्दी याद कर किसका नंबर चिपका के आया है, यहाँ जान हलक में अटकी हुई है। यार उसमें बहुत सारे सिक्स नंबर थे, कहीं लास्ट में चार सिक्स तो नहीं थे? हाँ, हाँ, अबे वो मेरा नंबर वही वाला था। कांच तूने तोड़ा, नंबर मेरा दिया। अबे तू दोस्त है या कसाई? अब वो मुझे ढूंढ कर मुझे बकरे की तरह हलाल कर देगी। मैडम धनु की आँख फूट गई। कहीं आपकी गाड़ी का कांच तो नहीं टूटा? हाँ भाई साहब। अबे भाभी ने फोन किया है। हेलो, गलती से शायद आपने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया मिस्टर। गलती से नहीं, जानबूझ के तोड़ा। व्हाट? लेकिन क्यों? क्या जरूरत थी नो पार्किंग में कार पार्क करने की? आखिर उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी कार लोगों की जिंदगी के लिए मुसीबत बन गई थी, इसीलिए मैंने उसे तोड़ दिया। हाँ तो तुमने अपना नंबर क्यों छोड़ा? अगर फिर से नो पार्किंग में पार्क किया ना तो कांच की जगह हेडलाइट्स होगी। वैसे कॉल करने के लिए शुक्रिया,
तुम्हारा नंबर चाहिए था, वो मुझे मिल गया। ए रवि, एक बात बता, गोरा ही अच्छा है या मडालैंड? ऐसे हो तो गोवा, वरना गोरा ही अच्छा है। तो ठीक है, मनाली जाएंगे। ए बंटी, विद्यानिधि स्कूल अच्छा है या बाल विकास? क्या तुझे स्कूल में एडमिशन लेना है? अबे मेरे लिए नहीं रे, तेरे भतीजे के लिए। ओए, ये फालतू की बकवास बंद कर और सीधा मुद्दे पे आ। ए, आपन उस पे फिदा हो गया है, दिन रात 2400 घंटे बस उसी का नशा है। वो क्या है ना भाई लोग, आपन को उसे बस पटाना है और उसे शादी करनी है कि नहीं? बस इंतजार उस दिन का है जिस दिन वो हाँ कहेगी। सोनिया, शॉट तो वहाँ मारा है लेकिन वार हुआ है मेरे दिल पे। क्या बनोगी मेरी मलिका? कोई नहीं सकता। मैं मालामाल क्रेडिट कार्ड वाला, पर इन सबका अकाउंट खाली है, वैसे दिल भी खाली है। बस तुम्हारे जैसा एक हसीन चाहिए, मेरी हो जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। तुम्हारे चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी, प्लीज मान जाओ ना। चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को मोड़ दूंगा, एक बार हाँ कह दे जाने मन, पहली वाली को छोड़ दूंगा। मेरी जान बख्शो, अब तक कुंवारा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप उनसे शादी करेंगी? आई लव यू जानू, आई लव यू जानू। तो पक्का? पलकों पे रखूंगा, एक बार हाँ कर दो। ए, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूं। हाँ तो क्या हो गया, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दिल तोड़ के कहाँ जा रही हो? क्या रे चिकनी, अपन से शादी करेगी क्या? अरे जवाब तो दे। अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, हो जाओ मेरी, बन जाओ मेरी। समझ गया, ये ऐसी तितली है जो आसानी से हाथ नहीं आएगी। कुछ ऐसा जादू चलाना होगा कि अपना पोस्टर हमेशा के लिए उसके दिल में छप जाए। फिर आप उनके लाइफ सेट है भेड़ो सानी धवसर। बेटा हम गौशाला जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। आई मिठाई लाई। अरे यार ये पनौती फिर कहाँ से आ गई? भाई ने एक और कुत्ता खरीदा। अरे कुत्ता नहीं अंकल, भैया के घर में नई नवेली काम वाली आई है, इन्हें भी खिला दो ताकि थोड़ी अकल आ जाए, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते रहते हैं। संभल के भाई लोग, ट्रक आ रहा है। आ जा चिंकी, आ जा। लड्डू? अरे खाते हैं लड्डू, खाते हैं, पहले बैठ तो सही। अच्छा चिंकी, तुमने कभी सोचा है तुम्हारा पति कैसा होगा? पति मतलब घर वाला? सबसे पहले तो खाते पीते घर का हो। हिस्ट्री में 95% आना चाहिए, मैथ्स में टोटल 100 आना चाहिए, और रोज सुबह मुझे पहाड़े गाकर उठाए, और क्या चाहिए? पति को? पढ़ाई की बात कर रही हूँ, अपना दिमाग मत लगा। सुबह को नाश्ता बनाए, दोपहर में कपड़े धोए, रात को फिर नई नई डिश बनाकर मुझे खिलाए। वाओ, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी? पता है मुझे, दुआ करो मिल जाए। पोछा भी उसी से लगवाएगी। और रात में ना? रात में क्या? हमारे छोटे छोटे बच्चों को लोरी गाकर सला दे, फिर बर्तन धो ले। जो भी इसका दूल्हा बनेगा हमेशा अपनी किस्मत पर रोएगा। अबे मेरी किस्मत खराब नहीं है, तू हमेशा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करता है? ज्यादा समझ में आती है। ए तू बैठ। क्या रे मोटी, तेरे भाई ने अमेरिका में कुत्ता खरीदा तो मिठाई लेकर आई, काम वाली बाई रखा तो मिठाई लेकर आई, अब मिठाई लाई ना तो तुझे कंटेनर में बंद करके अमेरिका कुरियर कर दूंगा। नो जी नो, नो ओनली यस। जाके अमेरिका में मिठाई की दुकान खोल लेना और वहाँ जितने भी भुक्कड़ मिलेंगे उन्हें दिन रात फ्री में मिठाई बांटते रहना। हेलो, मैं मुसीबत में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, बाय। कौन थी चिंकी, कॉलेज की फ्रेंड? नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगी, तुमने मुझे मोटी बोला ना, अब मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मैं तो मजाक कर रहा था, अब मुझसे भी छुपाओगी? ये ठीक बात नहीं है चिंकी। ओवर एक्टिंग मत करो, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बंटी, सहेली का बायोडेटा नोट तो करना। हाँ ठीक है। सेंट फ्रांसिस कॉलेज। प्लीज गॉड, आपसे मेरी एक ही गुजारिश है, वो एग्जामिनर जिसने मेरा 1% खाया है, उसको कभी भी खाना हजम ना हो, उसका पेट हमेशा खराब रहे, और दूसरे मिनट उसको टॉयलेट जाना पड़े, टॉयलेट से बाहर है, उसको टॉयलेट के बाहर आने का मौका ही ना मिले, हाथ धो धो कर उसका पूरा साबुन ही घिस जाए उसका। मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम्हारी फ्रेंड से मुलाकात करने। सैंडल पड़ेगी तुझे। तुम्हें कंटेनर में डाल दूंगा। ओह नो। यस। सुन, उसे पीछे भेज, तू आगे जा। मैं आगे तो बढ़ना चाहती हूँ पर ऐसे नहीं। देख चिंकी, दो दिलों को जोड़ना बहुत ही पुण्य का काम होता है, ऐसा बापू ने कहा था। ऐसा करने से ऊपर वाला भी छप्पर फाड़ के आशीर्वाद देता है, तो क्या इस नेक काम में तुम मेरी मदद नहीं करोगी? बोलो करोगी ना? पादरी यही देख रहे हैं। हेलो, निकल ले सत्या, नहीं तो ये तेरी खाल उधेड़ देंगे।
वैसे तुम्हारी गाड़ी का कांच आपने नहीं तोड़ा। पसंद भी नहीं आएगी, पढ़ाई कर करके थक जाएगा तब भी। ये क्या है, क्यों बार बार मेरी सहेली को परेशान कर रहे हो? बख्शो यार। हाँ, तो मेरे साथ एक फोटो निकलवाने के लिए बोल दो, मैं चला जाऊँ। फोटो? वो किस लिए? अरे खिंचवा लेना, मेरा पीछा छोड़ देगा। प्लीज चले आजा। तू जनाब तैयारी के साथ आए हैं? करना पड़ता है मैडम। क्या कहा, कंधे पे हाथ रखूं? दिल तुम्हारा कर रहा है और मुझसे बुलवाना चाहते हो? गलत तो नहीं कह रहा है? अरे मान जाना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चल खींच। मेरे माँ बाप तुम्हारी खूबसूरती देकर तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हें चाय पर बुलाया। ज्यादा होशियारी मत करो। होशियारी तो पैदाइशी है, विरासत में मिली है। क्यों? मेरा पीछा छोड़ दो, समझे? अरे मैंने कोशिश तो बहुत की पर ये दिल है कि मानता ही नहीं। हाँ, इसका एक सोल्यूशन है, मुझसे शादी कर लो। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हो, मेरे साथ ये नौटंकी नहीं चलेगी। क्या हो गया? बोलती बंद हो गई? समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं? एक न एक दिन तुम भी रफू चक्कर हो जाओगे। ओके इल्जाम, जाने मन एक बार प्यार करके देखो, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। थोड़ में जाओ। अरे कहाँ चली, मेरी बात तो सुनो। बैठिए। जिसने एक बार हमला किया वो दोबारा भी कर सकता है, इसलिए सभी लोगों की तलाशी ली जाएगी। बारात में आने वाले सभी लोगों को एक्सेस कार्ड दिया जाएगा, इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी। इस कार्ड के बिना दूल्हा भी मंडप तक नहीं पहुंच सकता। पर ये सब किस लिए? दरअसल मेरे बहुत सारे जानी दुश्मन हैं, मैं उनके गले की हड्डी हूँ, और ऐसे लोगों से खुद को बचाना तो होगा ही। सुमन का फोन है। हाँ बेटी बोलो। पापा, यहाँ एक लड़का हमेशा मेरा पीछा करता रहता है, नाक में दम करके रखा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए आपको फोन कर दिया। चिंता मत करो, मैं उस लड़के को देख लूंगा। संजना कहाँ है? वो यही है। हेलो संजना, कैसी हो? ठीक हो ना? हाँ पापा ठीक हूँ। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, जितनी जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। हाँ ठीक है पापा। Hey, कोई संजना और सुमन के पीछे पड़ा है, जल्दी उसका इंतजाम करो। ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जान से मार दे। लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, कॉलेज का लौंडा है, हाथ पैर तोड़ के छोड़ दो। क्या कहा? कोई आपकी बेटी को छेड़ रहा है, आप सिर्फ हाथ पैर तोड़ेंगे? अरे उसे फांसी पे लटका दो, मेरे घर की लड़की होती ना। अगर छोटी मोटी बातों के लिए मैं कत्ल करता फिरूं, तो सबसे पहले तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। एक लाइट्स देना। ये लो। अबे मैंने लाइट्स मांगी थी। अरे धुआं ही तो छोड़ना है। अबे असली माल बेचा कर चूना मत लगाया कर, समझा? क्या बात है, कुआं खुद प्यासे के पास आ गया, कहीं मेरे लिए दिल तो नहीं पिघल गया? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। फिर वही बात, ऐसा नहीं कहते जानू, अरमानों पर पानी फिर जाएगा। सपने देख रहा हूँ कि हमारी शादी होगी, आगे चल के प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, फिर मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए दिन रात कमाऊंगा, और फिर हम दोनों जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के बच्चे कहेंगे, दादा दादी स्टोरी सुनाओ ना, तब तुम उन्हें हमारी रोमांटिक स्टोरी बताना। स्टोरी बनानी है? वाह आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसी स्टोरी में अगर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? बस लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अपनी जान जरा सी भी प्यारी है तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो। अंकल, शकील अंकल। अपुन शकील, भिंडी बाजार का शकील। यही है वो अंकल। कर दिया ना सबके सामने कचरा, मेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, मेरे को अंकल बोलती है। यार चिकने, सुना है तेरे को पट्टी से प्यार हो गया? जानता है ये किसकी बेटी है? भाइयों के भाई नागभूषण की। तू क्या, दिखने में तो ये भिंडी बाजार का मामू लग रहा है, कौन है ये ढीला? ढीला? मेरे को ढीला बोला? अबे आप उनका नाम सुनकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और तू मेरे को ढीला बोला? तेरी तो अभी मैं मौत के साथ तेरा टाका फिट करता है, रुक जरा तू, इदरीस कब्र बना डालूंगा, समझा क्या? राशि बहुत कम है, कृपया 10 रुपए का रिचार्ज करवाएं। हाँ हाँ करता हूँ, पुराना मर्डर का पैसा अभी तक दिया नहीं और नया सुपारी दे रहा है, क्या बोल रहा था मैं? बोल दे रहे थे भाई, ए, तेरे को मालूम नहीं है इधर भाई 440 के नाम से फेमस है। 440 यानी? झटका, नाम सुन के झटका लग जाता है लोगों को। तू क्या भाई, बात क्या करना, मार दो इसे। शराफत में खामोश हूँ तो लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? अपनी हटी तो कबर खुदी, पहले मुकालात फिर बात और फिर मुलाकात, यही चापुन का उसूल है, क्या समझा? कहा था ना आपसे, कितना बदतमीज है, इसकी चमड़ी उधेड़ दो। अरे कैसे उधेड़ेगा मैं, ये तो हमारी उधेड़ रहा है। सत्या, भाई सत्या। सत्या। ए, ए, ए,
बात जब इज्जत पे आती है ना तो सत्या उसे अकेला ही हैंडल करता है, कोई नहीं आएगा। और घुमा तोड़ दे, ऐसा तोड़ कि बाद में ये धो न सके। चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी जान ने क्या कहा सुना नहीं? हाथ छोड़। इतनी देर से मैं यही जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है भी या नहीं। और रही बात मुझे मारने की, तो इन सब में इतना दम नहीं, ये सब तो मुझे चूजा समझ रहे थे। बड़े नादान है ये सब, इनको पता नहीं किससे पाला पड़ा है। अब शुरू होगा असली एक्शन। सबके सब फुसकी, अबे घनचक करो, अकेले नहीं सब मिल के मारो उसको। अरे अभी तो मारा भी नहीं, लेकिन अब मारूंगा। दो चार इक्कीस होता है क्या? हाँ, 2421 ही होता ये है। ये किसने पढ़ा है? चापर सर ने। चल अब तुझे मैं पढ़ाता हूँ। ये हैदराबादी क्या होएगा तेरा? वही जो तेरे को मंजूर होगा। हम नादान परिंदे हैं, वो तो हम पोटी के बाप की बातों में आ गए थे, वरना कब्र खुदवाने क्यों आते? जरा इनकी शक्ल तो देखो, है ना मासूम, बस लोगों को चक्कू ही तो घोपते हैं। अच्छा मतलब चक्कू अभी भी घोपोगे? मतलब चक्कू घोपते थे, लात खा के सुधर गए। अब तू पोटी को प्यार कर या बीमार कर, हमें क्या। कभी घर पे आना भाई, बिरयानी खिलाएंगे। और तू भी आना, खाने के बाद तेरे से घस घस के बर्तन साफ करवाएंगे। अगली बार अगर किसी को बुलाओगे तो उनका भी यही हश्र होगा। इन भाड़े के टट्टुओं से वार करवाने से अच्छा मुझसे कह देती मैं जान दे देता। मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बंटे बाइक रेडी है? ले क्या? मैं सच कह रहा हूँ सुमन, तुम्हारे बगैर मेरी पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। उगते सूरज की तरह तुम मेरी जिंदगी में रोशनी लाई हो। मेरी बस यही तमन्ना है कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे दामन में लाकर रख दूँ। बस एक बार तुम मुझे हाँ कह दो। क्यों पंडरो, है ना जबरदस्त डायलॉग। तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा फिल्मी हो गया मेरे भाई? अरे पगले, आजकल की पूरी दुनिया ही फिल्मी है, और जो फिल्मी नहीं। क्या बात है, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है? डायलॉग तो बोल ले। अरे भाई एक तरीका है मेरे पास, हर कोई डायरी लिखता है, अगर हम उस डायरी को चुरा ले तो तू भाभी का दिल जीत सकता है। वाह 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 वा, क्या बात है बंटी, सच में बजी गई तेरे दिमाग की घंटी, मजा आ गया, आइडिया अच्छा दिया। तो भाई इनाम मिलेगा? इनाम बाद में मिलेगा, पहले ये सोच की वो डायरी कैसे चुराए। उस डायरी के मिलते ही सुमन हो जाएगी मेरी मेरी मेरी। संजना जरा फोन दे मुझे।
हाँ हेलो, इंटरनेट वाला अभी तक नहीं आया। कितनी बकवास सर्विस है तुम्हारी, हमेशा इंटरनेट नहीं आता। क्या वो निकल चुका है? अरे संजना, इंटरनेट वाला आया क्या? हाँ आ गया दादी, इंटरनेट ठीक हो गया। हेलो मैडम, दरवाजा बंद कर लो वरना चोर आ जाएगा। मिल गई डायरी। भाभी, जिंदगी वाह, टाइटल एकदम ढांसू है ना। ये मेरी जिंदगी की कहानी है। इस डायरी को चुराकर पढ़ने वाले तेरा मुंह काला है। ऐसे तो ट्रक के पीछे लिखते हैं। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और हर बर्बाद आदमी के पीछे भी उन्हीं का हाथ होता है। तेरी बात में तो दम है बच्चा। चल आगे बढ़। मेरे सपनों का राजा घोड़े पर सवार होकर आएगा, जाबाजों का जाबाज बादलों की फौज लेकर आएगा और मुझे तारों की सैर कराएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। घोड़ा तो मुझे मिल जाएगा लेकिन वो चांद तारों वाली बात हजम नहीं हो रही है। उसे आदमी नहीं चाहिए, एलियन चाहिए। कहाँ चली गई? कल तक तो यही थी। अगर वो खो गई तो मेरी बरसों की मेहनत, मेरी गुण की कली को क्या हो जाएगा? क्या ढूंढ रही है बताइए मुझे? वही मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, सबका सब बर्बाद हो गया। हुआ क्या है ये तो बताइए। डायरी, मेरी सबसे कीमती चीज खो गई। आखिरी बार तो मेरे ही पास थी। अच्छा हुआ इन्हें इस बारे में नहीं पता। मेरे सपनों का राजा घोड़े पे सवार होकर आएगा। अरे आप बाहर क्यों आ गई? अरे ओ शहंशाह की औलाद, नीचे उतर, नीचे उतर। चल घोड़ा यहाँ पाक कर, आजा 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 उतर। यहाँ गाड़ियों के लिए जगह नहीं है और तू गधे की तरह घोड़े पर बैठकर पूरे शहर में चक्कर लगा रहा है। अब जल्दी से जुर्माना भर वरना हवालात की सैर करवाता हूँ। मुझे हवालात की सैर कराएगा? अबे ये घोड़ा है, किस कानून में लिखा है कि घोड़ा सड़क पर नहीं दौड़ सकता? वर्दी उतरवा दूंगा। क्या जरूरत थी घोड़े को लाने की? तुझे क्या करना है? मैं अपनी रानी को ढूंढने निकला हूँ, उसे अपने इस घोड़े पर बिठाकर तारों की सैर कराऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है। वो मुझे तारों की सैर कराएगा। अरे पर तुम्हारी वजह से इतना ट्रैफिक हो गया, उसका क्या? तकलीफ हो रही है ना? मुझे अपने घोड़े से बहुत प्यार है पर मैं जुर्माना नहीं भरूंगा। यही मेरे सपनों का राजा है, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। नहीं दादी, ये छटा हुआ बदमाश है, मैं इसे जानती हूँ। तू जानती है तो फिर एक बार उससे मिलाना। आप भी ना। I want that cute little hot boy. Please, please, please मिलवाओ ना, मुझे मिलना है। रात भर में पूरी डायरी चट कर गए। अरे सत्या, सुमन यहीं आ रही है। यानी हमारी तरकीब काम कर गई। सब लोग चुप। हे, उसके आते ही डायलॉग शुरू कर देना। Okay. अरे यार सत्या, अगर तुझे प्यार है तो उसे बोल दे। ये क्या, बावलों की तरह सड़कों पे घोड़े दौड़ा रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो? अच्छा है ना, एक्सीडेंट होगा तो मर जाऊंगा, कम से कम तड़पना तो नहीं पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है और उसे कोई परवाह ही नहीं। अबे थोड़ा कम फेंक। एक्सक्यूज मी। अब तो उसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। सत्या, रेडियो बंद कर, कुछ ज्यादा ही जज्बाती बना रहा है। अब क्या हो गया सुमन, मैंने फिर से कोई गलती कर दी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं,
दरअसल आज डिनर पे आओगे? क्यों मुझे जहर खिला के मारना है? नहीं ऐसा नहीं। ओ अच्छा, घर पे गुंडे बुला के मारना है, क्यों? सही कहा ना? जो हुआ उसे भूल जाना प्लीज। उस दिन तुम्हें घोड़े पे देखा तो फिर कैसा लगा? दौड़ाते रहो। जब तुम घोड़े पे सवार थे और ट्रैफिक पुलिस वालों से बात कर रहे थे तब फंस गई। क्या? हाँ वो पुलिस वालों ने फंसा दिया था, उन्हें छोड़ो मैं डिनर बनाऊंगा। असल में मेरी दादी दादी के हाथ का खाना तो लाजवाब ही होगा, खाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी दादी कुछ बातें डिनर के बाद के लिए बचा कर रखो ना। हाँ ठीक है। सत्या पक्का हो गया ना? देखो पक्का है ना, भूल मत जाना। आऊंगा आऊंगा पक्का, जा। अबे ये लव स्टोरी में दादी कहाँ से आटा? क्या फर्क पड़ता है दादी हो या दादा, मुझे सिर्फ पोती से काम है। दावत पर जाएंगे और रिश्ते बनाएंगे। मेरा राजा मुझसे मिलने आएगा ना? 101% आएगा, मैंने उससे वादा जो लिया है। अच्छी बात है, मुझे तो शर्म आ रही है। शर्माना छोड़ो दादी। वो आ गया, देखो वो आ गया। हेलो 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 हेलो, अंदर आ जाओ। आओ। नाइस हाउस। बैठो। शुक्रिया। वो तैयार हो रही है, बस अभी आती होगी। पता है कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कह रही थी कि तुम नहीं आओगे। मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती थी, मतलब गुड़ की गली, मेरी गुड़ की गली। जानते हो ये खास तुम्हारे लिए सजी है। मेरे लिए सजी? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या बोल रही हो? एक्चुअली मेरी दादी के सपनों का राजकुमार बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आई सी। और ये सब कुछ जिस डायरी में लिखा था वो खो गई। ओह। हाँ, और वो डायरी दादी को जान से भी प्यारी है, पता नहीं कहाँ खो गई। ओके 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 ओके। नॉट ओके, ये नामुमकिन है, दादी भी डायरी लिखती है। सिर्फ तुम दोनों ही बोलोगी या मुझे भी बोलने दोगी? क्योंकि मैं इस हसीन पल को यूं ही नहीं गंवाना चाहती। गलत कनेक्शन लग गया। अबे क्या हो गया? क्या हुआ, तुम्हें भी अपनी डायरी याद आ गई? नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। तो चलो एक ड्रिंक हो जाए, जस्ट अ ग्लास ऑफ वाइन। चलो ठीक है। चीज़। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक डांस हो जाए। क्या कहा? वन डांस, जस्ट वन डांस। हाँ मान जाओ ना प्लीज। किसी के घर का बेल बजाने के पहले ये पता होना चाहिए कि अंदर कौन है। स्टार्ट द म्यूजिक। यस। दादी क्या हुआ? दादी आप ठीक तो है? जल्दी पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ दादी। कॉलेज के जमाने में मैं डांस में कई मेडल्स जीत चुका हूँ। वही आंखें। वही चेहरा। वही अदा। अपने कॉलेज के दिनों में मैं जिस इंसान से प्यार करती थी वो हूबहू बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, लेकिन किसी वजह से मेरी उनसे शादी नहीं हो पाई।
पर आज भी उनका प्यार मेरे दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगा। मेरी शादी हुई होती तो मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक पोता होता। दादी ये क्या बोल रही है? मुझे दादी सुनना पसंद नहीं बेटा, पर तुम्हारे कहने पर एक सुकून का एहसास हो रहा है। एक ख्वाहिश है अपनी इस दादी से हमेशा मिलने आना बेटा। न जाने और कितने दिन जिंदा रहूंगी। ऐसा नहीं कहते दादी। तुम आए मुझे अच्छा लगा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। आइए दादी। मैं तुम्हें अब तक कितना गलत समझती थी, पर तुम वैसे नहीं हो। जाने अनजाने मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया और तुम मेरे खातिर चले आए। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बरसों से दादी की ख्वाहिश थी उनकी फीलिंग को समझने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलो खाना खाते हैं। फिर कभी आऊंगा, आज दिल भर गया। अब क्या करूं दादी, मुझे आज तक कोई सच्चा प्यार करने वाली मिली ही नहीं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सब ऐसे ही हैं, अब इनको ही देख लो, सारा दिन बस टाइम पास। तो कहां से मिलेगी? दादी मुझे भी संजना की शादी में जाना है। क्यों, तुम्हें क्यों जाना है? अरे पगली, जब तेरी शादी हो जाएगी और तू अपने घर चली जाएगी तो तेरी याद तो आएगी ना। अच्छा तुम्हें मेरी याद आएगी, मुझे बेवकूफ समझाए। दादी यहाँ ना प्लीज। हाँ आती। अरे दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? छोटी सी मोच है, ठीक हो जाएगी। वन टू। देखा दादी, एक झटके में आपको आराम मिला ना। आगे जब भी मोच आएगी मैं ठीक कर दूंगा। इन दोनों से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है दादी। बहुत हुई हीरोपंती, टाइम पे पहुँच जाना, ये तुम्हें लेने आ जाएगी। ओए छोटू इधर आ, जा उधर जाके दो लस्सी दे के आ बेटा, जा। आप नाश्ता ऑर्डर कर दो, फिर हम निकलते हैं। और छोटे उधर दो चाय लगा। जोर लगा दे यार। जोर लगा दे। एक सैंडविच ले आइए। ओके जी। उधर देख भाई। सॉरी भाई साहब। Come, baby. Have a sip. I like it. Yeah! छोड़ो मुझे! अरे छोड़ो इसे! छोड़ो! भी? कोई है? भी से! छोड़ो! तुम अंदर जाओ, मैं पाक करके आता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, कार्ड प्लीज। यार खुरदार, नौकरी खा जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी एजेंसी मेरे बाप की है। जी जा जी, इसके मुंह पे कार्ड मारो। ठीक है जाइए सर। दूल्हे का बाप होने का क्या फायदा, आपकी कोई इज्जत नहीं है। इससे अच्छा था वो कबाड़ वाला था, बेटी भी देता और कबाड़ का सामान भी। एक्सक्यूज मी सर, सर कार्ड प्लीज।
सॉरी सर, जिसके पास कार्ड नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। इट्स ओके। सॉरी सर। सत्या, सत्या रुक जाओ। सत्या रुको। सॉरी सत्या। प्लीज आ जाओ। चलो। सॉरी। प्लीज। अरे कोई बात नहीं। अरे लॉलीपॉप चूसने वाला इतना बड़ा हो गया, इसके लिए भी कोई दुल्हन ढूंढो। पहले अच्छा रिश्ता तो मिले। अरे मेरे पास है ना, मेरी पड़ोसन की खूबसूरत बेटी। मेरी बेटी को बचाकर तुमने मुझ पर एहसान किया है। मेरा फर्ज था अंकल, एहसान की कोई बात। तुम अगर ना होते तो न जाने क्या हो जाता। तुम फरिश्ता हो। उसे जिंदा छोड़ दिया, मैं होता तो उसके टुकड़े करके नाले में फेंक दिया होता। उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि मैं उसकी जान ले लेता। इनकी बातों का बुरा मत मानिए, जाइए अब फ्रेश हो जाइए। अरे वाह। मेरी बेटी का ख्याल रखना। ठीक है। अपना ख्याल रखना बेटा। खुश रहो। हेलो, कौन? तेरी मौत बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? वही जिसने ढाबे पे तेरी बेटी पे हमला करवाया था। पिछली बार तो तू हमारे हाथों से बच निकला था, पर इस बार तुझे मौत के घाट उतार कर रहेंगे। तुझे हमारे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। हेलो, हेलो, कोई परेशानी अंकल? कुछ नहीं, बेटी की याद आ गई। बेटी की विदाई के वक्त बाप की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, चेहरे पर परेशानी नहीं। बताइए क्या बात है? कुछ नहीं, बस एक मामूली सी बात है। मामूली सी बात है? आते वक्त रास्ते में सुमन पर हमला होना कोई मामूली बात नहीं है। बारातियों से ज्यादा इतने सारे बॉडीगार्ड्स का होना कोई मामूली बात नहीं है। एक कॉल की वजह से आपके चेहरे की रंगत उड़ गई, ये मामूली बात नहीं है। प्लीज बताइए। आप फिक्र मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अंकल, सुमन ने आपको नहीं बताया होगा लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। मैं सुमन से प्यार करता हूं और उसके परिवार के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मौत भी नहीं छू सकती जब तक मैं ना चाहूं। उसने आपको एक दिन की मोहलत दी है ना, देखना मैं उसे एक घंटे के अंदर मिट्टी में मिला दूंगा। सत्या के वार से वो बचेगा नहीं। हम छिप क्यों रहे हैं? उसे लगेगा हम कार हैं। इससे तो अच्छा हम उसे ढूंढकर मार देते। उसे मारना आसान नहीं, वरना वो मर चुका होता। हमें अंकल की हिफाजत करनी होगी, दूसरी बार वो अंकल को मारने जरूर आएंगे। बाकी घर वाले उनका क्या? अगर उनका निशाना घर की औरतें होती तो वो लोग रास्ते में अंकल पर हमला करने की गुस्ताखी कभी नहीं करते, घर में घुस कर मारते। अंकल की हर एक चाल पर उनकी नजर है, अंकल को मारने का वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ मैं आ चुका हूँ, मेरे रहते अंकल का कोई भी दुश्मन इनका बाल भी पाका नहीं कर सकता। अब अंकल की हिफाजत करना ही मेरा मकसद है। आपको इस दो कौड़ी के आदमी पर इतना भरोसा है? मुझ पर नहीं, ये अकेला क्या करेगा? कभी ओलंपिक का गेम नहीं देखा क्या? खिलाड़ी कितने आते और जाते हैं पर नाम उसी का होता है जो मेडल जीतता है। क्या मतलब? अब ना समझो को कौन समझाए, जंगल में चाहे जितने भी खूंखार जानवर हों, शेर की एक दहाड़ से सब के सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तू अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल जी ले, क्योंकि अब तेरी मौत तेरे पास आ रही है। तुझे मौत का फरिश्ता भी नहीं बचा पाएगा।
ए, कौन है तू? क्या चाहता है? डरा रहा है? तुझे लगता है हम डर जाएंगे? अगर माँ का दूध पिया तो धमकी देना छोड़ और आकर सामना कर। अरे तुझे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, तलवार निकाल कर सीधे घोंप दो। याद कर, अपने गुनाहों को याद कर। कहीं तुम उस अकाउंटेंट के बेटे तो नहीं जिसे मैंने मार दिया था? नहीं, याद कर। तो उस कॉन्ट्रैक्टर के जिसे मैंने ट्रक से कुचलवा दिया था उसके बेटे हो? तूने इतने गुनाह किए हैं कि गुनाहों के दलदल में फंस गया। तुझे अब जीने का कोई हक नहीं। आदित्यपुरम याद कर। जिन बेगुनाहों को तूने मारा है उन्हें याद कर। नम्रता याद है तुझे? नम्रता? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैंने जो किया गलत किया, जो किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं सच कहता हूँ। तूने ऐसा गुनाह किया जो माफी के काबिल नहीं। तेरी मौत के बाद लोग गुनाह करने से कतराएंगे। तुमने चाय पर बुलाया? दादी, मुझे भी संजना की शादी में जाना है।
किसी भी तरह ये बचकर नहीं जाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं। तैयार रहना। जनाब गौर से सुनिए, जिनकी मौत हुई वो मामूली आदमी नहीं थे। उनका नाम नागभूषण था, नाम चीन इंडस्ट्रियलिस्ट और बिल्डर। उन्हें जान से मार दिया गया और अब हम सबको इसी गुत्थी को सुलझाना है, वो भी जल्द से जल्द। ये केस बहुत ही उलझा हुआ है, इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जी जनाब। वो कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, हमसे नहीं बच पाएगा। जब तक पढ़ाई कर रही थी मैं पापा से हमेशा दूर रही, और अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो अब पापा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? पापा अक्सर कहते थे अमीरों के हजारों दुश्मन होते हैं। माफ करना सुमन, मैंने अंकल को बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं सत्या, इससे मेरे पापा तो वापस नहीं आएंगे ना। अगर पापा की तरह तुम्हें भी कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी। आदित्यपुरम को ऐसा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दूसरों की फिक्र के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कहा ना रोक दो। लेकिन तुम्हें वही राजू बन के रहना पड़ेगा जो तुम पहले थे। अगर बदले तो खैर नहीं तुम्हारी, समझे? मर गई ना तेरी माँ शुका। दादाजी वहाँ भी सबको मार डालो। ये क्या है सत्या, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तू यहाँ बैठा है। काकी तुझे कितनी बार फोन कर चुकी है, तू फोन का कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ये क्या है सत्या? हेलो, मैं क्राइम ब्रांच से एसीपी अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे आपके पापा के कत्ल के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, कल मिल सकते हैं? ओके सर। दोस्तों, दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूं। मैं अविनाश, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम ब्रांच। यू आर अंडर अरेस्ट। अंकल प्लीज मजाक मत कीजिए। सत्या मुझे माफ कर दो प्लीज, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। पापा का केस यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तुमसे मिलना चाहते थे इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। कल रात को इन्होंने मुझे भी ऐसे ही डराया। मिलकर अच्छा लगा। ए, तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूं। चलिए। हमें सिखाया जाता है कि तहकीकात की शुरुआत में अहम गवाह को गुनाहगार ही मानना चाहिए। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। रिएक्शन वो देते हैं जिनके दिल में खोट हो। By the way, can I have your number? इसके पास फोन नहीं है, हमेशा इसके दोस्तों को फोन करना पड़ता है। बड़ी अजीब बात है, इंसान तो आज चांद तक पहुँच गया और ये जनाब के पास अभी तक फोन भी नहीं पहुँचा। ताज्जुब की बात है। वैसे मेरे और भी कई राज हैं, अगर आपको पता चला तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या करें, मेरे कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। मानना पड़ेगा, बड़े माहिर खिलाड़ी हो। खिलाड़ी माहिर ना हो तो फिर खेलने का मजा ही क्या है। हाँ बात तो सही है। फिलहाल तुम मेरा ये फोन रख लो। शायद आप भूल गए मैं फोन नहीं रखता। अरे तोहफा समझ के रख लो, रास्ते के लिए। जल्दी मुलाकात। नागभूषण पर पहले भी हमला हो चुका है, वो भी जानलेवा। सही कहा जनाब, ये हमला उनकी बेटी की मंगनी के वक्त हुआ था। उस हादसे के हर चश्मदीद गवाह से पूछताछ करो और पता करो कि उसमें घायल कौन कौन हुआ था। और हाँ, छोटे से छोटा सुराग भी हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। यहाँ क्यों बुलाए? असल में बात यह है कि वो पुलिस अंकल तुमसे मिलना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने अर्जेंटली तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा। क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या कह रहे हो? जरा गौर से देखो, इन्होंने पहले भी नागभूषण पर हमला किया था, लेकिन उस हमले में नागभूषण बच गए थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा कोशिश की। यही कातिल हैं। पहली बार ये कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन सबकी नजरों में आ चुके थे, इसलिए दूसरी बार किसी और कातिल को भेजा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दरअसल मैं एक पुलिस वाले की तरह सोच रहा था और तुम एक अपराधी की तरह। अपराधी किसे का? वो मतलब नहीं था दोस्त, तू तो नाराज। तो क्या मतलब, क्या मतलब था आपका? एक तो बेमतलब यहाँ बुलाते हो, ऊपर से इल्जाम लगाते हो। भाड़ में जाए तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा फोन। तुमने समझ क्या रखा है? मैं अपराधी दिखता हूँ तुम्हें? सत्य प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? उन्होंने मेरे सामने अंकल को मारा और ये आदमी मुझे अपराधी बोल रहा है। अभी तक मैं उनकी मौत के सदमे से उबर नहीं पाया और ये पुलिस वाला। सॉरी सत्य, मुझे माफ कर दे यार, मेरा वो मतलब नहीं था दोस्त, सॉरी। छोड़ो, भूल जाओ। माहौल गमगीन हो गया है, एक काम करते, कहीं जाके बेहतरीन खाना खाते हैं, मेरी खातिर प्लीज। लेकिन मैं तुम्हारी कार में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी कार में आ जाऊंगा, अब तो मान जाओ दोस्त। क्या हाल है जनाब? इसकी जन्म कुंडली तो बता। वो जनाब गुंडों की मौत है ये। छुट्टे रख ले। आ जाओ सुमन। एक मिनट, बात करके आती हूँ। ऐसा है, सुमन अब शादी के लायक हो चुकी है और उसके परिवार वाले अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। मेरी नजर में एक दो रईस परिवार के बड़े अच्छे लड़के हैं, देखते हैं। मुबारक हो। क्या कहा? यानी तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं? मुझे लगा तुम दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। जब फीलिंग्स ही नहीं है तो ऐतराज क्यों होगा? ओह आई सी, नो फीलिंग्स। वैसे तुम्हारी और सुमन की मुलाकात कहाँ पर हुई? तुम तो एक कॉलेज से भी नहीं हो। दरअसल मेरी पड़ोस में गोलू नाम की एक लड़की रहती है, उसी ने मुझे सुमन से मिलवाया था। गोलू ने तुम दोनों का तारुफ करवाया था या उसे प्यार का झांसा दिया? गोलू ने ही मिलवाया था। अच्छा, लेकिन सुमन से मिलाने के लिए जब गोलू ने मना किया तो तुमने गोलू को धमकी क्यों दी? इस बात को आप इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। भले ही मामला मजाक किया हो, उसमें छोटे छोटे सुराग छिपे होते हैं। शादी में हथियारबंद पहरेदार थे, टाइट सिक्योरिटी थी, सारे मारे गए सिवाय तुम्हारे। ऐसा कैसे? दरअसल जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग अंकल पर हमला करके वहां से भागने ही वाले थे, और रही मारने की बात तो उन लोगों ने सिर्फ उन्हीं को मारा जो अंकल और उनके इंतकाम के बीच आ रहे थे। अकेला क्या करता? उस दिन तुम अकेले नहीं थे, दो और थे। उनका स्केच मिलते ही हमने उनकी तफ्तीश शुरू कर दी। तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली। बहुत बड़े फाड़ू फनकार हो, अदायगी तो कोई तुमसे सीखे। हैट्स ऑफ। फालके नहीं पर इस साल का भास्कर अवार्ड पक्का है। सुमन के रिश्ते की झूठी कहानियां सुनाकर तुझे मैंने उकसाने की भी कोशिश की, लेकिन तेरे चेहरे से हवाइयां बिल्कुल नहीं उड़ी। सुमन के आने से पहले अपना गुनाह कबूल कर ले, तेरी सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना मजबूरन खामखा एक गोली वेस्ट हो जाएगी। कातिल है, इसी ने तुम्हारे पापा को मारा है। अपनी जगह से हिला तो इसे भी मार दूंगा। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। कानून को झांसा देने की कोशिश मत कर। हेलो कंट्रोल रूम। जल्दी जल्दी जल्दी।
लेकर गई। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। भरोसा नहीं करना चाहिए था और हमारे भरोसे का क्या? तुम्हारा बाप कातिल था। मासूम गांव वालों की जान लेने के बाद उसका मरना जरूरी था। चाहता तो तुम्हारी बहन की सगाई में उसे मार देता, लेकिन वो बच गया। उसे मारने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने उसे मार दिया। आखिर मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था सत्या? तुम जानते हो कि उन्होंने कितने लोगों की मदद की थी? हाँ, ऐसे ही। तुम भी नहीं जानते तुम्हारे बाप ने लोगों के साथ क्या किया। मैं बताता हूँ, तुम्हारा बाप तो इतना लालची था कि पैसों की लालच के लिए अपने बेटे की मौत को भुला दिया। अगर तुम अपने बाप के दरिंदगी के बारे में सुनोगी तब तुम्हें भी उससे नफरत हो जाएगी। कई मासूम लोगों के खून से तुम्हारे बाप के हाथ रंगे हुए थे। ये एक हंसते खेलते गांव की कहानी है। बैंगलोर में हमारी हवेली और एक बहुत बड़ा बिजनेस था। बड़े भैया बिजनेस संभालते थे और मैं हैदराबाद में पढ़ाई करता था। माँ बाप का साया बचपन में ही उड़ गया था, इसलिए बड़े पापा ने हमारी परवरिश की। जल्दी से हलवा खाओ, इसके बाद लड्डू भी तो खाना है तुम्हें। ये क्या है भाभी, बर्थडे बड़े पापा का और मिठाई मुझे खिला रही है, ये क्या है बड़े पापा? सत्या, तू यहाँ सिर्फ मेरी सालगिरह पर ही आता है, यही तो मौका है तेरी खातिरदारी करने का। क्या बात है, देवर की बड़ी खातिरदारी हो रही है। चलो अब फैमिली फोटो हो जाए। सत्या, अगर आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते ना तो आज के दिन गांव के मंदिर में सबको खाना खिलाते। उनके जैसे माँ बाप तकदीर वालों को मिलते हैं। उनके जाने के बाद उनकी कमी हमेशा खलती है। अब की बार मैं वहां जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ बड़े पापा, मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं उस गांव से, मैं जरूर जाऊंगा। और फिर मैं दोस्तों के साथ आदित्यपुरम के लिए रवाना हो गया। वहीं मैंने नम्रता को पहली बार देखा। पता नहीं बात क्या है, ट्रेन में आज सफर करते हुए मुझे सिर्फ बार बार एक ही गाना याद आ रहा है। अच्छा, तो जल्दी से वो गाना बक दे। छुक छुक करती रेलगाड़ी साजन का डोला लाई, दिल कहता है मेरी सजनी मिल जाएगी। और सजनी नहीं मिली तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल से निकली आवाज को ऊपर वाला जरूर सुनता है। उसे देखते ही जैसे मेरी सारी दुनिया थम सी गई। आपने बिना पूछे अंकल की सीट कैसे दे दी? वो लोग आपको पैसे खिला के काम करवाएंगे तो आप करेंगे? अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? सीट के लिए लोग चिल्ला रहे थे, अगर सीट ना देता तो क्या करता? और खाओ रिश्वत, ना जाने कब पैसों की गुलामी छूटेगी। बात तो ऐसे करते हैं जैसे मरने के बाद पैसे ऊपर लेके जाएंगे। अंकल आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं अंकल, आप बैठ जाइए, जाइए बैठ जाइए। रिश्वत खोर कहीं का। क्या रसमलाई है यार, बाहर से चमचम अंदर से टाइम बॉम्ब है। मैंने फैसला कर लिया, वही तुम लोगों की भाभी बनेगी। चलो दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। यस। प्यारे लाल, देखना कहीं भांडा न फूटे। तू बस देखता जा, आज मेरी एक्टिंग देखकर तू अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोनों को भूल जाएगा। अरे एक्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन पिक्चर फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है, एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है। एक्शन! ये क्या है? बारा, बारा, मैंने कहा बारा। मालिक, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? तू जानता है मैं इम्पोर्टेड पानी पीता हूँ और तू मुझे लोकल पानी पिला रहा है। लोकल में जो मजा है इम्पोर्टेड में नहीं है मालिक। तू मुझे सिखाएगा? एक तो छुरी ऊपर से सीना छुरी और नहीं, तू नहीं, मुझे नहीं, मालिक, मारना नहीं, मारना नहीं।
जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तुझसे तो अच्छा गटर का कीड़ा है। अरे इज्जत की धज्जियां मत उड़ा। अरे सॉरी यार, आज अभी इसी वक्त से मैं तुझे इस नौकरी से बेदखल करता हूँ। कटले 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 फुटले ऐसे। मालिक मुझसे गलती हो गई, मालिक मुझे मालिक कहा था, मत निकालिए। हो जा मनहूस। क्या बात है? मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके। नहीं नहीं, दुख में ही तो किसी के सहारे की जरूरत होती है। पानी की बोतल के लिए मालिक ने मुझे बर्खास्त कर दिया। वैसे है कौन वो? राजा भानु प्रताप सिंह के पोते वीर बहादुर। मतलब ये आदित्यपुरम के हैं, मेरे गांव के। अच्छा। उनको गांव छोड़े हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन तुम कौन हो? दिलों का सरताज। चाहे खाना बनाना हो या पैर दबाना हो, मैं सब में उस्ताद हूँ। बर्तन चमकाऊं, चमाचम, खाना बनाऊं गर्मा गर्म, सारा काम मैं ही संभालता हूँ। पर पत्थर दिल मालिक क्या जाने, लेकिन फिर भी मुझे उनसे प्यार है। पर वो तो बहुत अकड़ू है, छोटी सी बात के लिए भला ऐसे भी कोई किसी को डांटता है क्या? आह क्या उम्दा सोच है तुम्हारी, इसी अदा ने मेरा मासूम दिल घायल कर दिया। क्या कहा? कहने का मतलब है आपके जज्बात कमाल के हैं। अच्छा अच्छा, तुम प्लीज बैठो ना। मानना पड़ेगा आपको दूसरों की तकलीफ की कितनी फिक्र रहती है। आप बड़ी होकर मदर टेरेसा बनना चाहेंगे ना? वो इंसान ही क्या जिसे दूसरों की फिक्र ना हो। एक अच्छे इंसान का फर्ज होता है कि वो दूसरे की मदद करे। इन लोगों ने इरिटेट करके रख दिया। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है? ये रहे। क्या चल रहा है ये सब? दिखाई नहीं देता, सब लोग सो रहे हैं। नींद नहीं आ रही है? लोरी सुनाओ क्या? एक सेकंड रुकिए, शोर बंद कर दीजिए, यही कहना चाहती हैं। तू कौन है बे? सैया। अरे तो भैया होगा, सैया तो हम है। ए, ये क्या बकवास लगा रखी है तूने? तेरी तो। गुस्सा अच्छी बात नहीं है सर, अब जाइए, मैं देखता हूँ। आप नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब जाइए, मैं बात करता हूँ, अब जाइए। हाँ सर, इस घटिया आदमी को तो मैं खाना, मैं बात करता हूँ, अब जाइए जाइए ना। अरे सर आप भी किसकी बातों में उलझ गए, आइए बैठिए बैठिए, हम बात करते हैं, बैठिए सो जाइए सर, आराम से कंबल उड़ा दूं। आराम से सो जाइए सर, शुभ रात्रि सर, गुड नाइट, कल मिलते हैं। वो सारे लोग चुप हो गए, ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई? मैंने बस उन्हें खुद से रूबरू करा दिया। ओह तो तुमने ये बताया कि तुम भानु प्रताप जी के यहाँ काम करते हो। हाँ, ऐसा ही अच्छा। नम्रता, वो हमारे स्कूल के मास्टर जी की बेटी है, वो करोड़ों में एक है, उसके जैसे यहाँ कोई नहीं। अन्याय के खिलाफ वो किसी से भी लड़ जाती है। सड़कें अच्छी ना होने की वजह से हमारे गांव के लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कब तक चलेगा ये बताइए? अगर हमारे गांव में कोई बीमार हो तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती क्योंकि सड़कें नहीं है, और इसीलिए हमारे गांव के बच्चे बाहर पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं। दुरुस्त है, गांव में ना सड़क है ना बिजली, इसी गम में पी के जी रहा। हां सही कहा। ए सुखा, कितनी बार का शराब पीना छोड़ दे, पर हमारी बात सुनता ही नहीं है तू, नशे का भूत सवार है। सवेरे उठते ही वो गांव की परेशानी हल करना शुरू कर देती है। अगर कोई मुसीबत ना हो तो खुद ही खड़ी कर देती है। माँ बाप कुछ नहीं कहते? अरे वो क्या कहेंगे, माँ की लाडली है और मास्टर जी को फुर्सत नहीं। दूसरों की इतनी पड़ी लेकिन खुद की फिक्र ही नहीं है। आखिर तुझे भी तो शादी करके किसी के घर जाना है ना? आपकी नम्रता दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है माँ, शादी के बाद भी मैं आपके साथ ही रहूंगी, क्यों है ना पापा? और नहीं तो क्या। हाँ मैं हाँ मिलाते रहिए, और यहाँ गांव वाले ताने मारते रहते कि बेटी की शादी कब करोगे। जिसे जैसा सोचना है सोचने दीजिए, आई डोंट केयर, मैं सब अपनी ही मर्जी से करूंगी। शादी के रिश्ते विश्ते आएंगे? अरे एक से बढ़कर एक आए थे, लेकिन लाडो रानी को पसंद आए तब ना। अभी कुछ दिन पहले ही एक करोड़पति का रिश्ता आया था। एकदम जलपरी लग रही है।
अच्छा सर ये बताइए कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं? ये क्या पूछ रही हो? अम्मा सारी दुनिया के छिरकुट लोग ठूस ठूस के शादी का लड्डू खा रहे हैं और जब मेरी बारी आई तो पूछती हो कि शादी क्यों करना चाहते हो। वैसे आपके पास ऐसा क्या खास है जो मैं आपसे शादी कर लूं? नाला साफ करने के 10 डंपर है मेरे पास। आपने खुद खरीदे? अरे मुझे खरीदने की जरूरत ही क्या है, बाप को विरासत में मिली थी, शादी के बाद हमारे बच्चे को भी मिल जाएगी। ओहो तो महीने में कितना कमा लेते हैं आप? मेरा मतलब आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? गलत सवाल, शहर में नालों की कमी है क्या? साफ करवा के रोज लाख रुपए मिल जाते हैं। आप खुद साफ करते हैं? अरे अगर मैं खुद साफ करूंगा तो भाड़े के टट्टू क्या करेंगे, दिन भर तो साफ सीढ़ी खेलता है, रात को मैं मालिक मिस्टेक हो गई। यानी कि आप कुछ नहीं करते? अरे हराम के माल से आराम कर रहा हूँ ना। निकलो। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपने बाप दादा की कमाई पर ही जी रहा है। चलो निकल यहाँ से। अरे आदित्यपुरम के भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार। सुमन बिटिया पढ़ाई पूरी करके गांव लौट आई है और इसने कहा है कि हमारे लिए पक्की सड़क बनवाएगी। क्या आपने सोचा है कि हमने बार बार वोट दिया लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला है? वही गरीबी, वही गंदी कच्ची सड़कें, लोग तो ये भी नहीं जानते हमारा गांव कहाँ है। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं आदित्यपुरम को ऐसा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इसलिए आज से हमारा एक ही मकसद होना चाहिए जो है इस गांव की तरक्की और सबकी भलाई। क्या बात है। नम्रता को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई, वो भी आदित्यपुरम को बहुत प्यार करती थी। आपको कुछ बताना है माँ, मुझे नम्रता बहुत ही अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर की बहू बने। जर्नी मतलब सफर। अगर हमें एक घंटे बाद कहीं जाना होगा तो हम क्या कहेंगे? सरपंच जी आप इसका जवाब दीजिए। हमको एक घंटे बाद करनी है जर्नी। नहीं मालिक मुझे मत मारिए। अरे अरे इस बार तुम्हें क्या हो गया? हाँ खेल के रख दूंगा। सामने आ, चूहे की तरह छिप मत। मैं अंग्रेजी में बोलूँ क्या? अब कसम खा दोबारा इंग्लिश में नहीं बोलेगा। मैं जूता खा सकता हूँ लेकिन कसम नहीं। फिर ज़बान चलाई क्यों? आपको डर है ना कि मैं इंग्लिश सीख गया तो आपका भी मालिक बन जाऊंगा? दी मैं ऐसे बोल रहा तो अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? आप किसी को पढ़ने से रोक नहीं सकते, अगर सब ऐसे ही रोकने लगे तो हमारे देश के लोग तरक्की कैसे करेंगे? मुझे पूरा यकीन है राजू तुम सबसे अच्छी इंग्लिश बोल के दिखाएगा। अब निकलो। चल निकल। शाम तक खुद से बर्तन नहीं धुलवाए तो मैं तेरा मालिक नहीं, तेरा ये अंग्रेजी का भुगार उतार के रहूंगा। चलो रे पूरी तरह से। नमस्ते छोटो को प्यार। राजू चलो सबको अपना नाम बताओ, वो भी इंग्लिश में। आई नेम इज राजू। अरे राजू आई नेम इज नहीं, माई नेम इज राजू। क्या करूँ मुझे इंग्लिश का ये भी नहीं आता लेकिन हिंदी में मुझे अच्छे अच्छे गाने आते हैं बहुत सारे। ये तो अच्छी बात है, चलो कुछ सुनाओ। शांत हो जाओ प्लीज। राजू फिर से कभी गाना मत गाना। हाँ बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, देश पीछे रह जाएगा, है ना? मालिक ने कहा। अब क्या कह दिया इसने? अबे ये हमारी तरफ उंगली क्यों कर रहा है, मरवाएगा क्या? मालिक ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर मैं आपको गले लगाऊंगा तो वो मुझे इंग्लिश सीखने की इजाजत दे देंगे, और बात नहीं मानने पर क्या कहा था? हाँ वो मेरे साथ जॉगिंग करेंगे। जो तुम कह रहे हो उसे जॉगिंग नहीं राजू, रैगिंग कहते हैं। मैं उनकी खबर लेती हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी रैगिंग करते हो? तुम्हें लगा ये मुझे छुएगा तो मैं इसे मार के भगा दूंगी? अब ये देखो चैन मिला? हाँ बहुत। हाँ मिल गया मिल गया, छोड़ दो उसे। नम्रता हूँ मैं, संभल के रहना। राजू आज क्लास के लिए तुम मेरे घर आ जाना, ओके? एक्स्ट्रा क्लास है। जी जरूर। बदतमीज है। दीदी एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? A double P L E। नॉट बैड राजू,
तुम तो बहुत होशियार हो, एक बार बताने पर ही सीख गए। You're my favorite student. I love you. What? अब मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं, मैं नहीं करती, मैं सिर्फ समझा रही थी कि इसका मतलब क्या होता है। ये आई लव यू फाइलो भी फालतू बातें हैं। ये दो कोड़ी का लड़का मेरी बेटी से आई लव यू कहकर शादी करना चाहता है, मजाक है क्या? क्या हुआ गज्जू, चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी बेटी ने एमए पास किया हुआ है, ये 12 में 12वीं बार लटक कर स्टेशन के पास टेलीफोन बूथ चलाता है। आप ही थे जिन्होंने इसे पढ़ा के इस लायक बनाया है, अब आप ही इसे कुछ समझाइए। ऐसा कहाँ लिखा है कि कम पढ़े लिखे लोगों से कोई शादी नहीं कर सकता? दो लोगों की शादी के लिए उनके दिल मिलने चाहिए, उनकी डिग्रियाँ नहीं। ऊंच नीच जात पात मायने नहीं रखते। आई लव यू, ये हकीकत है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसे कहते हैं नहले पे दहला। अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। देखते हैं अब आप क्या करते हैं। आपका फैसला हमारा फैसला होगा। तेरी इतनी जरूरत हो गई, उस दिन इंग्लिश क्लास में इलू इलू करते करते आज सबके सामने आई लव यू करने लगा। बिरजू मेरी लाठी कहाँ है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मैंने इसे कभी नहीं रोका। मैं पहले से जानती थी ये मुझसे प्यार करता है। ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ पापा, मैं भी राजू को बहुत पसंद करती हूँ। ये मुझसे प्यार करता था पर कभी भी इसने जाहिर नहीं किया, कभी शर्मिंदा नहीं किया, ना ही कभी मेरा गलत फायदा उठाया है। अगर आज ये इजहार नहीं करता तो मैं ही करने वाली थी। क्या आप नहीं चाहते कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूं जो मेरी इतनी परवाह करता है कि उसने अपने बारे में भी नहीं सोचा? जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे तुम पर फक्र है बेटा। तुम भी इन दोनों की शादी करा दो। गुरु जी ने कह दिया तो हो गया। चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। अरे चुप रुस्तम। इसी दिन का इंतजार था कब से। राजू। क्या हुआ नम्रता? पता ही नहीं चला कि यहाँ आए, तुम्हें इतने दिन बीत गए, अब जा रहे हो तो मेरा दिल नहीं मान रहा। कहो तो रुक जाओ। कुछ ही दिन की तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और एक अच्छी खबर लेकर आऊंगा। चलो अब मुस्कुरा दो। रोते नहीं है। बगीचे की नई कलिया चुनने में बहुत मजा आएगा। क्या हाल है विकी? आइए आइए बलवीर जी। तुझे देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा। घर चलिए, इत्मीनान से बात करते हैं। वो सब छोड़ यार, आज रात का इंतजाम किया है ना, दिल मचल रहा है। आज की रात नहीं, बहुत लोग आएंगे तो ये सब बाद में। ओह, मेरा दिल तोड़ दिया। चलो चलिए। अपना नाम बताइए। विकी उर्फ विक्रम कुमार, लोग यही कहते हैं। विकी नाम दे यस्याम ओम इंद्राय स्वाहा ओम अक्षरे स्वाहा ओम जमान स्वाहा। विकी। हाँ। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या चल रहा है? आखिर किससे पूछकर तुमने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी। हम जमीन के मालिक को पैसे देकर अग्रीमेंट साइन करवा चुके हैं। अग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था लेकिन वो हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। तू कौन है बे झिंगुर? मैं इस जमीन के मालिक भानु प्रताप जी का पोता हूँ। ए जरा हटना। अब जम के प्यास बुझाऊंगा। बाला, मिल गया मुझे पहला शिकार, अब मिलेगी मुझे ठंडक।
ये सुहाना मौसम और ये मचलती जवानी। क्या हो गया, क्या बात है? आखिर किससे पूछ के आप ये भूमि पूजन कर रहे हैं? गांव के भोले भाले लोग तो ये तक नहीं जानते कि आप फैक्ट्री बनने वाली है। बिना इजाजत लिए आप इन मासूम लोगों की जमीन हड़पना चाहते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? विकी, ये जमीन किसकी है? बाद में बात करते हैं भाई। पहले जनता, फिर कोई काम दूजा। दस्तखत हो जाएगा भाई, ये पूजा इसलिए रखी क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं भाई। देखिए, हम गांव वालों को यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं चाहिए सर। एक्चुअली तुम चाहती हो ये भूमि पूजन रुक जाए, है ना? जी। विकी। हाँ भाई। भूमि पूजन रोक दो। ये क्या कह रहे हैं भाई? बहाना रोक दो। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है सर। एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। तुम भी एक एहसान करो ना। मेरा मतलब हमारी पार्टी को वोट देना। जरूर सर। जिंदगी में पहली बार बारिश में भी गर्मी लग रही है तुम्हारी आंखों की चिंगारियों से। क्या बात है, तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी कसम, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ कोमल। नमस्ते सर। हाँ। इस हिरनी का शिकार तो मुझे करना ही पड़ेगा। तुमने तो दिल खुश कर दिया सत्या। देखना, हम सब तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएंगे। इसका मतलब माची का मायका अब तुम्हारा ससुराल होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, हमें कल ही वहाँ चलना चाहिए। अरे छोटे दिल आ गया। मुझे माफ कर देना, मैं करूं भी क्या, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। बस एक बार उसका रस चूस लूं फिर उसे आजाद कर दूंगा। वैसे भी खूबसूरत कलियों पर भंवरों का हक तो होता है ना। नमस्कार, मेरा नाम है बलबीर पाशा और मेरे बाप का नाम है नारंग पाशा। उम्मीद है आप उन्हें जानते होंगे। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तेरी बेटी पर मेरा दिल आ गया है। I'm in love. तो मैंने सोचा ये खुशखबरी तुम लोगों को सुना। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। कोई मसला नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। ऐसा इलाज जिसमें मेरा काम भी हो जाएगा और आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएंगे। विकी। ये क्या है? दौलत, हर इंसान की जरूरत, इसके बिना सब बेकार। तेरी बेटी को हमेशा के लिए चिपका के नहीं रखना है, फकत एक रात के लिए। एक रात के पूरे 5 करोड़। इन पैसों से तुम सबकी जिंदगी ऐश के साथ गुजरेगी। चलोट, समझता क्या है अपने आप को? हमारी बेटी के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है तू? अरे ज़बान खींच लूंगी मैं तेरी। रुक 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 रुक। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुमने ये पैसा कैसे कमाया है। ये कमाई ईमानदारी और मेहनत की तो नहीं लग रही है। इतना पैसा कमाने के लिए तुमने अपनी माँ और बहन को न जाने कितनी बार। ए, चुप कर। बात बाकी है, न जाने उन्हें कितनी बार जगह जगह बेचकर ये पैसा कमाया। तेरी इतनी जुर्रत, मेरी बेटी के बारे में ऐसे ख्यालात निकाल दे और जाकर अपनी माँ और बहन का सौदा कर। दफा हो जा, निकल जा। भाई, अगर तू चाहता है कि उस जमीन पर तेरी फैक्ट्री बने तो मुझे ये लड़की चाहिए। मत मारो। छोड़ो। नहीं। अरे मां, कहां जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, नहीं। रुको। वापस ले आ मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम जैसे दरिद्रों की वजह से बहु बेटी है महफूज नहीं है। तुम्हारी बहु बेटियों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। बस एक रात के लिए।
तूने मौत को दावत दी है बलवीर, दम है तो आ जा, कुचल डालो इसे। कौन है बे तू? नम्रता का होने वाला पति, आया हूं यहां तेरी हस्ती मिटाने के लिए। आई सी, इसके बाप ने बताया था मुझे, तो वो तू है। तेरे ससुर को एक बड़ा अच्छा ऑफर दिया था मैंने, पर वो बुड्ढा मेरी बात नहीं माना। चल तेरे लिए भी वही ऑफर, पूरे 5 करोड़ एक रात के लिए। शादी भले ही तू कर ले, पर हनीमून मैं मनाऊंगा। तो ठीक है, मैं तुझे 20 करोड़ रुपए देता हूँ। तुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना है कि आदित्यपुरम जाने के बाद तू नामर्द बन गया, लोगों को तेरी असलियत से रूबरू हो जाने। अबे जेब में चवनी नहीं है, करोड़ों की बात करता है। शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता, मैं इस गांव के राजा भानु प्रताप जी का सबसे छोटा बेटा सत्य प्रताप सिंह हूँ। हाय, ये वही है जिसकी जमीन पर हमने कब्जा किया है। अब सुन, अगर जिंदा रहना है तो अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दे, वरना आज इसी वक्त तुझे यहाँ पर जिंदा गाड़ देंगे। ए, मैं वो बारूद हूँ जिसके आगोश में आकर तू राख हो जाएगा। और रही बात जमीन में जिंदा गाड़ने की, तो कान खोल कर सुन ले, आज अगर तुम्हारा फरिश्ता भी आ जाए ना, तो तुम्हें इस लकीर से बाहर नहीं निकाल पाएगा, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। चला जा, तेरी जान बख्श दूंगा, निकाल। ए! ए! इसे सबक सिखाओ नम्रता, अपनी चप्पल उतारो। पिताजी, छी, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? 200 एकड़ जमीन, 2 अरब की फैक्ट्री दबोचने के बजाय उनके हवाले कराया। इन्हें एक कली चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाया तू। बलवीर, अगले 24 घंटों में वो लड़की तुम्हारे कदमों में होगी। उसे तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, पर उससे पहले मुझे वो लड़का चाहिए। ये हुई ना मर्दों वाली बात, कौन है वो लौंडा? भानु प्रताप का सबसे छोटा बेटा, वही उस जमीन का मालिक है। बलवीर, तुम्हें वो लड़की चाहिए ना, मैं लेकर आऊंगा, और जो भी बीच में आएगा उसे काट डालूंगा। सिर्फ बीच में आने वालों को नहीं, उस लड़के के पूरे खानदान को मार डालो जिसने मेरी बेइज्जती की, उन्हें मरना होगा। काफी वक्त पहले इसके पिताजी ने इस गांव से रिश्ता जोड़ा था, और अब तुम्हारे साथ शादी करके सत्या फिर से वही रिश्ता दोबारा जोड़ने जा रहा है। इसने गांव वालों को अपना परिवार मानते हुए उनकी तकलीफें दूर करना चाहता है। और हमने स्टील कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। इस गांव में मैं तुम्हें हासिल करने के लिए नहीं आया था, और ना ही मेरा मकसद तुमसे शादी करना था। मैं तो इस गांव में सिर्फ इसलिए आया था ताकि गांव की जमीन इन किसानों के नाम कर सकूं। अब तुम्हारा शादी को लेकर जो भी फैसला है, मैं उस फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सुमन बिटिया, तुम उसे पसंद करती हो, वो तुम्हें पसंद करता है, ऐसे में सोचना कैसा? लेकिन तुम्हें वही राजू बन के रहना पड़ेगा जो तुम पहले थे, अगर बदले तो खैर नहीं तुम्हारी, समझे? मंजूर, तुम्हारे और गांव वालों के लिए मैं सत्या नहीं, हमेशा राजू ही बनकर रहूं। क्या बात है, तो कल रामनवमी की पूजा के बाद इन दोनों की धूमधाम से सगाई कर देते हैं। सिंपल।
यार ये नम्रता दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सबर कर ले, शादी के बाद ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसे चाहता था वो तो मिल गई, अब दोस्तों को थोड़ी ना पूछेगा। हेलो हेलो, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, पापा क्या हो गया पापा, कुछ बोलिए पापा। भाभी सत्या, सत्या, रवि, रवि किसने किया ये सब, किसने मारा इन्हें? भूषण, नागभूषण। बलवंत राय का आपको नमस्कार। आपने जो जल्दबाजी में फैसला किया उससे मुझे नुकसान हुआ, उसकी भरपाई हो सकती है, बस मेरा साथ दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपने कुकर्मों के बाद भी इनके सामने खड़े होने में तुझे शर्म नहीं आई? मेरे सामने उन्होंने बाबा को मेरा भी से मार डाला। और तुम पर भी रहम नहीं किया। जिन्होंने मेरे परिवार को मारा उन्हें तो जिंदा मत छोड़ना। तुझे मेरी कसम है सत्या, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, उन सबसे बदला लेना। रवि, रवि, यहाँ सबको मैंने मार डाला, वहाँ भी सबको मार डालो। मेरी अपनी जान बचाओ। और रही, सबसे पहले उससे मौत के घाट उतारो। जाओ, जाओ नम्रता, जाओ। नहीं, मेरी नम्रता। नम्रता, तू जा बेटा। भैया, भैया आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, तू जाइए यहाँ से, जाइए, जाइए, चलो। नम्रता!
नम्रता, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा नम्रता, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, नहीं, नहीं नम्रता, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा नम्रता, नहीं, नम्रता, मैं हूँ ना नम्रता। नम्रता, आंखें खोलो, आंखें खोलो नम्रता, नम्रता आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, मैं हूँ नम्रता, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चलो नम्रता, 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 नम्रता। क्या हुआ, मर गई ना तेरी माशुका, अब तू भी मरेगा, जाओ और इसे मौत के घाट उतार दो। अपने प्यार की सौगंध है मुझे, आज तुम में से एक भी जिंदा बच के नहीं जाएगा, एक एक करके आज तुम सबकी समाधि यहीं बनेगी। सबसे पहले कौन आना चाहता दर्द समझ सकती हूँ सत्या, लेकिन तुमने जो रास्ता चुना वो गलत है। ठंडे दिमाग से सोच के देखो, इस खून खराबे से क्या हासिल होगा? मैंने भी अपने दिल को इसी तरह समझाने की कोशिश की, पर दिल कहता है कि एक एक को चुन चुन के मारूं, और मैं दिमाग से ज्यादा दिल की सुनता हूँ। चलो, ये क्या है सत्या, भाभी को सब कुछ बताने की आखिर क्या जरूरत थी? पहले ही मैं काफी झूठ बोल चुका हूँ, पर अब मैं इसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसे सही सलामत इसके घर छोड़ दो। बलबीर पाशा कल अपने बाप के साथ हैदराबाद आ रहा है, वो 10:30 बजे अपने चार्टर्ड प्लेन से शहर में दाखिल होगा, और उसके बाद ठीक 11:30 बजे वो मीडिया वालों से मिलने वाला है, उसके बाद वो दोपहर में मीटिंग करेगा, और शाम को 4 बजे की फ्लाइट से वो रवाना होने वाला है। दिल्ली रवाना होने से पहले वो कॉलेज फंक्शन अटेंड करेगा। कैसे, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरा प्लान है, वो आएगा और उसे मैं लेकर आऊंगा। नारंग पाशा जिंदाबाद, नारंग पाशा जिंदाबाद, नारंग पाशा जिंदाबाद। जिनका हमें काफी देर से इंतजार था वो आ गए हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। अरे रुको, क्या गला फाड़ रहे हो, इतना चिल्लाओगे तो कान के पर्दे फट जाएंगे, अब कोई नहीं चिल्लाएगा। और पिछले हफ्ते बॉस के कान की सर्जरी हुई है। मच्छर था, मार दिया वरना मुंह में घुस जाता, मुंह कम खोला करो। ध्यान रखना, जब तक चुनाव नहीं हो जाता कोई गड़बड़ मत करना, पहले ही तेरी वजह से मेरा नाम बदनाम है। अब कोई कांड किया ना तो कुर्सी तो जाएगी, ऊपर से जूते पड़ेंगे 100 अलग।
चुनाव तक लड़कियों की तरफ देखना भी मत, समझे? और नहीं तो क्या, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। याद रखना, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो तुम सबकी वर्दियां उतर जाएंगी। जाकर उस धमकी वाले को पकड़, मेरा मुंह मत देख। देखते ही उसे गोलियों से भून देना, बुजदिलों की तरह उसे देखते मत रहना, समझा? वरना तुझे जान से मार दूंगा। ए, छोड़ उसे। हम दोनों की हिफाजत का जिम्मा तुझ पर है, ये बात याद रखना। सर, ये सिर्फ गीदड़ बबकी है। मैं कुछ नहीं जानता, तेरा काम हिफाजत का है, वो तुझे करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई मिठाई हूँ और तुम सब मक्खियाँ। भिन भिना मत, सवाल पूछो। सर, इस तरह आपके हैदराबाद आने की कोई वजह? वो क्या है ना, पिछली 3 रातों से मुझे सपने में बिरयानी दिख रही थी। हैदराबादी बिरयानी का तो तुमको पता ही है। अरे घनचक्कर, ये भी कोई सवाल है? यहाँ कबड्डी की चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, तो उस चैंपियनशिप का उद्घाटन तुम करोगे या मैं करूँगा? कहीं इसके बहाने आप अपने बेटे को पॉलिटिक्स में तो नहीं लाना चाहते? कौन चंदू, पिछली बार कैमरा चला रहा था, आज सवाल पूछ रहा है, क्या बात है? सर, जो रिपोर्टर आपसे सवाल करती थी ना, उससे मैंने शादी कर ली। ऐसे भगोड़े लोगों के चैनल को मैं जवाब नहीं देता। नेक्स्ट। सर, हमने सुना है आप अपने बेटे को ही मंत्री बनाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल। बोलो भारत माता की जय। जवाब नहीं दिया क्योंकि सवाल जवाब के लायक नहीं है। एक छोटी सी दरख्वास्त है और उम्मीद करती हूँ आप मना नहीं करेंगे। उसमें मेरा क्या फायदा? आजकल पैसों की भारी किल्लत हो गई है, इसलिए हम सबका फर्ज है कि पार्टी की मदद करें। एक टिकट का 90 करोड़ रुपया, साथ में लाखों की भीड़ और मीडिया का सपोर्ट अलग से। लास्ट मिनट पर मेहमान धोखा दे गया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप चले। उसकी जगह मैं कैसे ले सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है सर, आपके आने से पार्टी में जान आ जाएगी। हम सब आपके चाहने वाले हैं। बी? क्या समझे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए टोकन तो देना ही पड़ता है। क्या आप हमारी इतनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करेंगी? प्लीज। तुम्हारा काम तो हो जाएगा, उसके बाद मेरा क्या? फंक्शन खत्म होने के बाद एक प्राइवेट पार्टी रखी है, ओनली फॉर यू। तब तो मैं जरूर आऊंगा, ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ वो आने के लिए मान गए हैं। बलवीर, मैं जानता था तू लड़की के जाल में जरूर फंसेगा। चारा फेंकते ही मछली की तरह कांटे में फंस गया, फड़फड़ाता और तड़पता हुआ मरने के लिए चला आया। शुक्रिया। ए, अबे तुझे क्या लगता है कि मैंने कोई कच्ची गोलियां खेली हैं? मुझे उन लड़कियों पर पहले ही शक हो गया था, इसलिए मैं अपने साथ पूरी फौज लेकर आया हूँ। ACP। जी सर। जहां भी छुपा है उसे घसीटते हुए लेकर आओ। क्या हुआ सर? उसने मेरे बाप को अगवा कर लिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है कामचोर, बोला था ना उसे भून डाल। खतरा आपकी जिंदगी को था सर, आपके बाप की जिंदगी को नहीं। अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप आदित्यपुरम आ जा, वरना आ रहा हूं मैं, वो भी बिल्कुल अकेला। मुहरा वो स्यामुगे नसुकर चारा, सावारा मारा।
पिछले एक साल से मैं इसी इंतजार में था कि तू किसी तरह इस गांव में कदम रखे, और ये गांव वाले भी इसी फिराक में थे कि कब तुझसे अपना बदला ले सके। नागभूषण को मारकर तू अपने आप को हीरो समझने लग गया। मेरे बाप को अगवा करके और मुझे अकेले बुलाकर मर्दानगी दिखा रहा है। मुझे तो यहाँ अकेले बुला लिया तूने और खुद गांव वालों के साथ खड़ा है। तेरे लिए अकेला ही काफी हूँ, वादा करता हूँ जब तुझे मारूंगा तो ये गांव वाले बीच में नहीं आएंगे। तो पहले ही तुझे कुत्ते की मौत मार देता, पर सोचा गांव वालों के सामने मारूंगा। भैया तलवार इतनी जोर से बांधा था। क्यों बे, तू इन गांव वालों के सामने मेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाना चाहता था ना? अब मैं तेरे टुकड़े करूंगा और मेरे टुकड़ों पर पलने वाली ये पुलिस मेरा साथ देगी। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। सर, हमारे देश में गुंडे मवालियों को पुलिस से खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस उनके तलवे चाटकर उनके सामने दम हिलाती है। सर, आदित्यपुरम में लोगों के बीच हुए फसाद में मिनिस्टर नारंग पाशा और बलवीर पाशा की मौत हो गई है। पंचनामे की कार्यवाही पूरी करके मैं आपको इत्तला करूं। देश की जनता ने तुम नेताओं को अपना कीमती वोट देकर देश की सत्ता पर काबिज किया, और तुम लोगों ने उन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने उन पर जुल्म किए, उनकी जमीनें छीन ली, उनकी बहू बेटियों की आबरू से खेला और उन्हें गरीबी के दलदल में धकेल दिया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जब जब बेगुनाहों पर जुल्म होगा, मुझ जैसा सत्य पैदा होता रहेगा। देखा, कहा था ना मैंने ये दिन अच्छा रहेगा ना। भाभी ने अच्छी एबीसीडी सिखा दी है इसे, अब कंप्यूटर चला रहा है। देख देख ठीक है, मैं इसे ही बुक कर लेता हूँ। जानते हैं ये क्या है? ये है हम सबका घर।